अच्छा, आप जो स्क्रीन के बारे में बोल रहे थे, ये वाली स्क्रीन आपने चेंज कराई है, अदरवाइज अगर अगर अभी आज की डेट में अगर आपको कॉम्पैक्ट कोई गाड़ी लेनी हो तो कौन सी लोगे? हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है भाई, वो एक्चुअली हम लोग क्रिकेट खेलने आए हुए थे और मुझे ये वाली गाड़ी दिखी तो मैंने कहा इसका रिव्यू लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग टाटा की जो गाड़ियां हैं हैचबैक के अंदर है, और ये 2018 मॉडल है और ऑटोमेटिक, और इसका जो प्राइस है वो 5.5 लाख रुपए में ऑटोमेटिक उस टाइम पे खरीदी थी 2018 में। तो एक तो इससे ये बात पता लगती है कि भाई 2018 से और आज की डेट में गाड़ियों का जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। तो हमारे पास है आज टाटा टियागो, आज हम इसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके ऑनर को इनवाइट करता हूँ, इसके ऑनर है भाई नरेंद्र भाई। नरेंद्र भाई बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पे। नरेंद्र भाई, टाटा टियागो 2018, उस टाइम पे टाटा की तरफ जो है ना ट्रस्ट बनता नहीं था लोगों का, तो आपने क्या सोचा और टियागो को? इसलिए लिया था क्योंकि यार मेरे को सबसे पहले, मैंने वैसे बेसिकली देखा जाए तो मैंने बहुत सारी गाड़ियां देखी थी, बट उस गाड़ियों में मेरे को इसकी बिल्ड क्वालिटी सबसे बढ़िया लगी। इसकी बॉडी और बॉडीज में फाइबर्स होती हैं, मेटेलिक नहीं है थी, तो मैंने देखा कि भाई ये मेटेलिक है और इसकी सारी जो भी बॉडीज में जितने भी पार्ट्स हैं सारे मेटेलिक पार्ट्स हैं, कोई इसमें फाइबर का नहीं है, तो इस वजह से मैंने इसको परचेज करने में सोचा। अच्छा, आपने बोला बहुत सारी गाड़ियाँ देखी थी, हाँ, तो वो बहुत सारी गाड़ियाँ कौन कौन सी थी? डस्टिन गो थी, प्लस स्विफ्ट भी थी और क्विड भी देखी थी, बट मेरे को किसी में इतना सही नहीं लगा, मैं इसी में मतलब बिल्ड क्वालिटी की वजह से आपने ये ले ली। हाँ। अच्छा, टाटा के साथ ये कहा जाता था उस टाइम पे, अब तो खैर ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है जैसे नई नई गाड़ी आ रही है, उस टाइम पे कहा जाता था कि इनका जो इंजन है वो इतना रिलायबल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स इतने रिलायबल नहीं है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे आपने कहा 23,000 किलोमीटर आपने चला दी है, तो 23,000 की जर्नी में आपके साथ कोई प्रॉब्लम ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंजन में कोई प्रॉब्लम है? अभी तक कोई इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बेसिकली जो भी देखा जाए तो मतलब स्मूथ भी चलती है, एवरेज बहुत अच्छी देती है, अभी तक मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई गाड़ी के अंदर। अच्छा, एवरेज की आपने बात करी, कितनी एवरेज दे रही है आपको? एवरेज ये दे रही है मुझे अराउंड 16+, जो कि ऑटोमेटिक में बहुत बेटर है। मतलब लोकल की बात कर रहे हो? लोकल की, लोकल में 16+ दे रही है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक और हाईवे पे कभी आपने चेक करी? हाईवे पे चेक नहीं करी है बेसिकली, बट देखा है तो लोकल ही ज्यादा चलती है, हाईवे में कभी इतनी चलाई नहीं है, लेकिन लोकली हमारी चलती रहती है बेसिकली, तो ये सबसे बड़ी। और सबसे लंबा आप इसको कहाँ पे लेके गए हो? सबसे लंबा मैं लास्ट टाइम अपनी फैमिली के साथ गया था मथुरा बस मैक्सिमम, तो वहाँ पे कितने स्पीड आपने मेंटेन करी थी? अराउंड 120-130 की स्पीड। उसमें कैसी चली है? स्मूथ, कोई टेंशन नहीं, कुछ वाइब्रेशन नहीं, कोई गाड़ी में कुछ पता नहीं चलता कि कितनी स्पीड में गाड़ी चल रही है। ठीक है, अब एक बार इसमें ये चेक कर लेते हैं कि 2018 में 5.5 लाख रुपये में आज की डेट में अगर आप देखने जाओगे तो आपको बहुत ही हल्की गाड़ियाँ मिलेगी, एक्सप्रेसो नाम की, ऑल्टो, इस तरह की गाड़ियाँ आपको 5.5 लाख रुपये मिलेगी, लेकिन 5.5 लाख रुपये में टाटा का लोहा आपको मिला है। और इसके अंदर उससे भी बड़ी बात, इसके अंदर जो फीचर्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम सामने से स्टार्ट करते हैं, तो इसका जो इसकी जो लाइट है वो हेलोजन है, अब जो है प्रोजेक्टर्स आने लग गए काफ़ी सारी गाड़ियों में, तो इसकी लाइट का थ्रो आपने नाइट में कभी चलाया है? थ्रो इसकी विजिबिलिटी अच्छी है, मतलब ऐसा कोई टेंशन नहीं कि आपको कुछ दिखता नहीं है नाइट में चलाते वक्त, सब इसकी विजिबिलिटी अच्छी है। और इसमें कोई मॉडिफिकेशन आपने कराई हुई है? हाँ, मॉडिफिकेशन मैंने अंदर से बस एक एंड्रॉयड सिस्टम की करवाई है, जो कि वैसे बेसिकली देखा जाए तो नहीं ज़रूरत है इस गाड़ी के अंदर, बट मेरे को थोड़ा यूट्यूब या इसका वीडियो देखने का शौक है, इसलिए मैंने एंड्रॉइड सिस्टम में जाके थोड़ा सा इसको मतलब टच स्क्रीन स्क्रीन वाली आपने लगाया, इसमें जो था वो विदाउट टच स्क्रीन। ठीक है, तो एक बार अंदर चल के और देख लेते हैं कि इस गाड़ी के अंदर ये क्या क्या चीजें ऑफर करती है। अच्छा, डोर्स की बात करें, क्रोम, हालांकि क्रोम जो है वो फीका पड़ गया इसका, लेकिन उस टाइम पे देखिए क्रोम जो है वो आता था इसमें, वो किसी भी गाड़ी में नहीं आएंगे इस पूरे प्राइस रेंज में। देखो, मतलब मुंह से बोलती है कि भाई मैं बिल्ड क्वालिटी जो है मेरी स्ट्रांग है, सबसे स्ट्रांगेस्ट सेगमेंट में, पूरे जितने भी सेगमेंट है उस पूरे सेगमेंट में सबसे स्ट्रांगेस्ट कार है। अगर आप चाहे इसके बोनट की बात करो, फेंडर की बात करो या डोर्स की बात करो, तो मुंह से बोलती है कि भाई नहीं मैं हैवी हूँ। और भाई चारों पावर विंडो तो है ही, 5.5 लाख रुपए में आज की डेट में 6-6 लाख 6.5 लाख रुपए की गाड़ी आ रही है, उसमें भी चारों पावर विंडो नहीं आते बेस मॉडल में। तो इसमें फ्लिप की है, फ्लिप की इसको अगर आप स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट हो गई और ये न्यूट्रल पे है अभी। इसका एसी कैसा लगा? एसी बहुत बढ़िया, 2 के स्पीड में भी आप एसी चलाओगे तो आपको मजा आ जाएगा। मतलब ऐसे जरूरत ऐसा नहीं गर्मी में वही लगता हो? नहीं नहीं नहीं, दो नहीं। मैं पूरी गर्मी, मैंने आज 5 साल हो गए मेरी गाड़ियों में 2 की स्पीड में चलाता हूँ, कोई टेंशन नहीं, बहुत अच्छा चलता है। ठीक है, और इसके इंटीरियर स्विफ्ट की बात आपने करी, क्योंकि स्विफ्ट का इंटीरियर जो है वो थोड़ा सा स्लीक सा है, इसके कंपैरेटिवली मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अच्छा है, उसमें स्पेस जो मैनेजमेंट है वो काफी अच्छा है, तो इसमें आपको जो इंटीरियर है उसके बारे में आपका क्या मानना है? इंटीरियर यार ये मेरे को बस यही बढ़िया लगता है, और वैसे मैंने इतनी गाड़ी में देखी है, बट जो मेरा पहला पसंद आया मैंने यही इसको चूज करा। मतलब आप बेसिकली खुश हो इसके इंटीरियर के साथ? मैंने कोई इंटीरियर से इतना लेना देना नहीं होता। अच्छा, आप जो स्क्रीन के बारे में बोल रहे थे, ये वाली स्क्रीन आपने चेंज कराई है, अदरवाइज जो स्पीकर आते हैं वो सारे इनबिल्ट हैं, ट्विटर वगैरह सारे इनबिल्ट हैं, चारों डोरों में आपके स्पीकर हैं,
JBL के स्पीकर्स हैं और हरमन का आपको इसमें स्टीरियो मिलता है, जो स्टीरियो मिलता है जो आपने चेंज करा चेंज करा लिया। तो भाई ये देखो, ये जो है वो मैनुअल आपको इसमें एसी मिलता है, एसी मैनुअल है। बाकी स्पेस वगैरह से स्पेस मैनेजमेंट तो इसमें भी ठीक है, मतलब कॉम्पैक्ट सी है। और देखो ग्लव बॉक्स भी भाई, दो कंपार्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट, इसमें अच्छा खासा स्पेस है और ठीक है। बाकी इसका जो स्टीयरिंग है वो टिल्ट होता है, टेलीस्कोपिक नहीं होता है, बस टिल्ट होता है, ऊपर नीचे टेलीस्कोपिक नहीं है बेसिकली। तो ये और आपने 120 इसको भगाया हुआ है लेकिन ये स्टेबल रही है, क्योंकि छोटी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट गाड़ी है, तो उस मामले में तो ठीक है। अच्छा, आपने इसकी पावर कैसी है, मतलब पिकअप में कभी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, पिकअप भी अच्छा है इसका, पता ही नहीं चलता बेसिकली। आप स्पीड में आपको पता ही नहीं चलता कि आप कौन सी उस पे चलेगा, स्पीड पे चलेगा, फर्स्ट पे गया, सेकंड पे गया, थर्ड पे गया, फोर्थ पे गया, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज करती है और आपको स्मूथ रहता है, मतलब जर्क तो नहीं फील होता, जर्क कोई फील नहीं होता। कहते हैं कि मतलब सेकंड, मेरे को काफी बंदों ने कहा है कि सेकंड जब गियर चेंज होता है सेकंड में आता है तो जर्क होता है, लेकिन मेरे को वो भी फील नहीं होता अपनी गाड़ी में कि फील हो रहा है। तो आप कैसे चलाते हो, रैश ड्राइविंग करते हो? कभी रैश ड्राइविंग कभी करी नहीं, नॉर्मली अपनी जो मेरी स्मूथ ड्राइविंग है मैं वही स्मूथ ड्राइविंग कराता हूँ। अच्छा, वही स्मूथ करते हो। और आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, मम्मी पापा, मम्मी पापा है, मम्मी पापा और आप और मेरी वाइफ। ठीक है, 4 लोग हैं, तो 4 लोग आराम से बैठ जाते कंफर्टेबली इसमें, कभी पांचों मतलब 4-5 लोगों को बिठा के आपने ड्राइव किया इस गाड़ी को? 3 मतलब 4 लोग तो इजीली आराम कंफर्टेबली बैठ जाते हैं। ठीक है, और पीछे अगर 3 बिठाने हो? पीछे 3 भी आराम से बैठते हैं, कोई इशू नहीं है, 3 आराम से बैठते हैं, मतलब टोटली 5 कैपेसिटीज के आराम से अच्छी है। अच्छी है, एक बार चेक कर लेते हैं 3 लोगों को बिठा के, देखते हैं कि भाई कितने और अच्छी खासी हाइट वाले हैं और अच्छे खासे बिल्ट वाले हैं। बैठना भाई तीनों। चलिए भाई, आपकी कितनी हाइट है? मेरी 5'10" आपकी? सेम 5'6" है। और भाई लेग रूम तो आप लोगों को जबरदस्त मिल रहा है, और कंधे थोड़े से टकरा रहे हैं, अदरवाइज कंधे टच हो रहे हैं, है ना, शोल्डर्स थोड़ा सा वो है, अदरवाइज लेग रूम तो बहुत लेग रूम अच्छा, जबरदस्त लेग रूम है। अच्छा, पीछे के जो एसी वेंट्स नहीं है, तो कभी ऐसा लगा है कि पीछे आज तक किसी ने शिकायत तो नहीं करी कि पीछे ठंडा गर्मी लग रही है, कुछ लग रही है एसी चलाने में? बहुत अच्छा, मतलब फील भी अच्छा आता है कि हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं। तो मुझे अब समझ में आ रहा है, क्योंकि जब ये गाड़ी आई थी तो उसकी बहुत ज्यादा हाइप बन गई थी, क्योंकि इसमें जो फीचर्स वगैरह थे, जिस प्राइस रेंज में पे चली थी लास्ट टाइम 2018 में, नंबर 1 पे थी ये। हाँ, तो ये काफी ज्यादा सेल हुई थी, तो अब ये रीजन समझ में आ रहा है कि भाई इस प्राइस रेंज पे इतना कुछ ऑफर हो रहा है। और ये मेरे को प्रैक्टिकली बहुत बहुत प्रैक्टिकल लगता है, क्यों? क्योंकि जो आगे रहती है लाइट्स, उसका थ्रो पीछे नहीं जाता, और इनका जो थ्रो है पूरी गाड़ी के अंदर इक्वली बैलेंस रहता है, तो ये बहुत अच्छा। हाँ, हालांकि 3 लोगों में शोल्डर तो जो है टकराएंगे, लेकिन अब लेग रूम देख लीजिए, लेग रूम इनको अच्छा खासा मिल रहा है, बहुत ही डिसेंट लेग रूम है मेरे अपने हिसाब से है। 5'7" मेरी हाइट है, उसके हिसाब से भी बहुत लेग रूम है, और सीट्स भी कंफर्टेबल है, ये भी थाई सपोर्ट जो है वो अच्छा खासा है, बट लेकिन ये है कि शोल्डर थोड़ा सा टकराएंगे। और भाई एक चीज़ और है, यहाँ पे भी ट्विटर दिया हुआ है, नीचे स्पीकर दिया हुआ है, इनकी क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी बहुत बढ़िया है, चला के दिखा दूंगे। हाँ, एक बार इसको चला के भी दिखा दो। तो मतलब आपने स्पीकर कोई चेंज नहीं कराया इसमें? स्पीकर ये वाला है। अच्छा, और आपने जैसे ट्रैवल आपने किया, तो कभी सामान भी लेके गए हो इसमें? सामान कभी ज्यादा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस एक सिंगल सूटकेस, 2 सूटकेस की जब उससे ज्यादा जरूरत नहीं। ठीक है, एक बार जरा इसका बूट स्पेस और देख लेते भाई कि बूट स्पेस कितना है। तो भाई देखो, ऑलरेडी सामान रखा हुआ, किट बैग वगैरह रखे हुए हैं, 2-2 किट बैग रखे हुए हैं, और बाकी उसके अलावा भी स्पेस है, तो मतलब इस कॉम्पैक्ट गाड़ी के हिसाब से तो काफी अच्छा स्पेस मैनेजमेंट किया हुआ है गाड़ी ने। भाई दाद देनी पड़ेगी टियागो की कि इस प्राइस रेंज में लोग गाड़ी देते हैं। और XTA जो है, टियागो XTA है, क्योंकि ये आपका ऑटोमेटिक आती है, और ये तो मतलब जो आप एवरेज बोल रहे हो ऑटोमेटिक में, ये तो मारुति की गाड़ियां भी इतना नहीं क्लेम कर पाती। बिल्कुल भी नहीं करती। तो आप पूरी पूरी सेटिस्फाइड हो? मैं तो पूरी सेटिस्फाइड हूँ भाई। तो कितना साल चलाओगे इस गाड़ी को? अब जितना चलेगी भाई, जितना देखो। और अगर अभी आज की डेट में अगर आपको कॉम्पैक्ट कोई गाड़ी लेनी हो तो कौन सी लोगे? कॉम्पैक्ट में जाने की सोच रहा हूँ, मेरे को SUV देखनी है। SUV नहीं, अगर इस रेंज में आपको देखना हो, इस सेक्टर में अगर जाना हो दोबारा से, मतलब इसी रेंज के अंदर। हाँ, मतलब जैसे स्विफ्ट आज की डेट में है, बलिनो आज की डेट में, बलिनो में जा सकते हैं, लेकिन स्विफ्ट में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि बलिनो थोड़ा सा ये है कि लगती थोड़ा सा लग्जरी टाइप में है, इस वजह से उसी में जाने की कोशिश करेंगे। बट ठीक है, अब इसमें टियागो में पंच भी आ गई है, जो 6.5 लाख रुपए से स्टार्ट है। एक्चुअली थोड़ा सा मेरे को इसलिए लगता है क्योंकि एक तो छोटी सी दिखती है मेरे को, सबसे बड़ी बात है, मतलब। लेकिन आपको छोटी कॉम्पैक्ट में ही जाना है? छोटी कॉम्पैक्ट में जाना है तो अगर इसी रेंज में जाना है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के तो जाना, तो बलिनो में चले जाएंगे। तो बलिनो में जाओगे, अदरवाइज इसको अभी पूरे 15 साल रखने का प्लान है? 15 साल तो नहीं रखेंगे, लेकिन 10 साल तो रखेंगे। 10 साल रखेंगे, अभी तो 18 ही हुए हैं। उसके बीच में देखते हैं, कोई अगर मिलती है तो।
ठीक है भाई, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो भाई ये था टाटा टियागो का एक्सपीरियंस, मतलब 5.5 लाख रुपए में भाई साहब आपको ऑटोमेटिक मिलती थी, क्रोम की लाइनिंग्स वगैरह, अंदर भी क्रोम वगैरह है पूरा का पूरा, और इसका इंटीरियर भी जो है फुली मतलब लोडेड इंटीरियर है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि आपके यहाँ पे पियानो ब्लैक वगैरह है, और मतलब लगता है अंदर कि आप किसी अच्छी गाड़ी में बैठे हो, फील आता है, मतलब जैसे मारुति की गाड़ी हो गई या कोई और इस लेवल की जो गाड़ियां थी उनका जो बेसिकली इंटीरियर था वो काफी हल्का था, बट इसमें काफी अच्छा है और लगता है, फील होता है। बाकी चला के अभी मैंने पर्सनली ये गाड़ी चलाई भी है, तो चला के भी काफी ज्यादा सही लगती है ये, काफी स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।